और जब उन्होंने सबसे पहले कमाए थे सिर्फ 25 रुपए। इंडियन सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। जितना लोग उनके म्यूजिक को पसंद करते थे उतना ही लोग उनकी आवाज को भी पसंद करते थे। शायद आज लता मंगेशकर जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने आज तक शादी नहीं की? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दरअसल घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी, बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। ईयर 1942 में 13 साल की छोटी उम्र से ही लता जी के सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी। लता मंगेशकर जी के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशासक थे, इसलिए शायद वो लता जी की फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया, इसके बाद लता जी को ही उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति को संभालना था और उसी के बाद से लता मंगेशकर जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे, इसे वो अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। लता जी के भाई हृदय नाथ मंगेशकर और बहने उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने ही संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना। सच में लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने हमेशा हम सबके बीच में रहेंगे।